Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. Yes, welcome to Smart School Kids Zone, आपका प्यारा स्कूल. और आज हम देखने वाले हैं एक नई कहानी जो है स्टैंडर्ड सेकंड की भाषा माधुरी यह किताब से जो CBSE स्टैंडर्ड बोर्ड का सिलेबस है उनके लिए. तो पहला लेसन है सीखो. तो देखते हैं कौन सी चीजें सीख सकते हैं और किस किस से, और इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने यहाँ पे दिए हैं, तो ये आपके लिए और भी हेल्पफुल रहेगा. तो चलो करते हैं इस मजेदार वीडियो को शुरुआत. उससे पहले आप हमारी e-learning वेबसाइट smartschool.infolips.com, sports site fallinsports.com, marathi.com, marathiranga.com, android educational game craft channel और बाकी सारे साइट्स जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना. तो ये है सीखो. यहाँ पे देखो बच्चा, सुबह 6 बजे जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही ये भी उठा है. पहले हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना. मतलब जैसे ये सूरज दादा उगे है तो उसकी वजह से किरणें भी हमारे घर में आ रही है. तो जैसे ही सूरज की किरणें हमारे घर में पहुंचती है हमें उठना है. तो यह हमारी आदत बननी चाहिए, सदा समय पर उठना. चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना. चींटी जो हमेशा मेहनत करती रहती है उसके भविष्य के खाने के लिए वो खाना इकट्ठा करती रहती है, उसी प्रकार हमें भी हमेशा मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ना है. ओके, तो ये हम दो चीज़ें सीखी है, एक तो सूरज से समय पर उठना और दूसरा है चींटी से मेहनत करके आगे बढ़ना. आगे देखते हैं इस पोएम में हमें क्या क्या बताया है. ये देखो, एक छोटा बच्चा है और क्या कर रहा है. इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़े दान में ही डालो कूड़ा. तो जो भी हमारे हाथ में बैग में जहाँ पे भी कोई कचरा रहेगा तो वो यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए, वो कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए. तो हमें ये बहुत सारे बच्चों को ये गंदी आदत रहती है, जैसे ही चॉकलेट खाते हैं तो उसका वो रैपर रास्ते में फेंक देते हैं, या कभी कोई पेपर रहता है जो हमारे बैग में पड़ा हुआ रहता है पुराना वाला, तो उसको निकाल के ऐसे ही रास्ते में फेंक देते हैं. तो ये बहुत गंदी आदत है. तो हम जब भी अभी छोटे हैं तो छोटे से ही हमें सीखना चाहिए कि हमें अच्छी आदतें डालनी है, ठीक है. जो भी कचरा रहेगा वो कूड़ेदान में ही डालना ही है, या कोई और बच्चा करता होगा हमारा दोस्त या हमारे भी, तो वो अगर कचरा करता है तो उसे भी कहना चाहिए कि देखिए भाई साहब, हमें हमारा देश सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो इसलिए कृपया आप आपका जो कचरा है कूड़ेदान में ही डालो, ना कि इधर उधर, ठीक है. तो ये बातें करनी चाहिए, सीख होनी चाहिए. जब हम एक हमसे हम शुरुआत करेंगे तभी आगे जाके ये एक मोमेंट का रूप ले सकती है, ठीक है. आगे देखते हैं, सदा समय पर पाठ पढ़ो, दिन दुखियों की मदद करो. सदा समय पर पाठ पढ़ो मतलब आप आपका जो होमवर्क है, आपका जो अभ्यास है वो हमेशा समय पर करना चाहिए. तो जो जब दिया हुआ पाठ है, जो दिया हुआ अभ्यास है वो समय पे करो. दिन दुखियों की, जो भी गरीब है दुखी है तो उनकी मदद करो, जितनी भी हो सकती है आपसे उतनी उनकी मदद करो. तो बहुत अच्छी सीख बताई है इसमें, है ना. तो बहुत सारी बातें सीखने के लिए हमें. देखते हैं और कहा है इसमें, कभी किसी से न करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई. तो कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कितना भी हो सके उसको समझाना चाहिए, क्योंकि हमारी भलाई इसी में है कि हम मिलजुल कर रहे, ठीक है. अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ. तो जो भी हमारे बड़े हैं, माताजी पिताजी दादा दादी चाचा चाची, जो भी हमारे बड़े हैं, तो उनको सर झुक के शीश झुका के उनको नमन करो, उनको नमस्कार करो, और कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ. तो जो भी आपकी अच्छी वाणी है, जो भी आप किसी से बातें करते हो तो उसमें मिठास होनी चाहिए, उनसे अच्छे शब्द निकलने चाहिए, ताकि जब भी हम बोले तो दूसरों को वो अच्छा लगे और वो भी खुश हो जाए. तो कितनी प्यारी और सुंदर कविता बताई है ना. तो चलो देखते हैं इसको, सुनते हैं थोड़े से रिदम में. हमारे क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने इसको गाया है, और थोड़ी सी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने भी उसमें आवाज़ दिया. पता है मुझे मेरा आवाज़ इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की आपके लिए, ठीक है. तो चलो सुनते हैं. सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा, सदा समय पर पाठ पढ़ो, दिन दुखियों की मदद करो,
कभी किसी से ना करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। तो चलो देखते हैं इस पोएम के ऊपर क्या क्या प्रश्न पूछे हैं अभ्यास। तो देखो यहाँ पे नीचे दिए गए वाक्यों में जो ठीक है उनके ऊपर टिक लगाओ, यह चिन्ह लगाओ, और जो गलत है उनको वहाँ क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो पहला है सूरज की किरणें सदा समय पर आती है, तो ये सही है, करेक्ट, हमेशा समय पे ही आती है, वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सूरज की किरणें हमेशा समय पर आती है, सूरज हमेशा समय पे ही उगता है। दूसरा प्रश्न है कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए, बहुत गलत बात, तो यह है क्रॉस, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, ना कि इधर उधर, ठीक है। क्या हम हमारे घर में कूड़ा कहीं पे भी फेंकते हैं? नहीं ना, वो तो कूड़ेदान में ही फेंकते हैं, तो बाहर भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि बाहर जो देश है वो भी हमारा एक घर ही है। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये तो एकदम सही बात है, कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए, कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए, ये भी सही है, हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए, जब ये भी हम बोले दूसरों को आनंद होना चाहिए, उससे खुशी होनी चाहिए, हमारे बोल सुन के उनको अच्छा लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए, ये भी सही है, हमेशा हमारे जो बड़े हैं, चाचा चाची, दादा दादी, मामा मामी या हमारे माता पिता, तो सभी को शीश झुकाना ये अच्छी आदत में से एक है, तो ये हमें सभी सीखना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो ये है पहला प्रश्न, हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए? तो हमने क्या देखा था, हमें सूरज की किरणों से सदा समय पर उठना ये सीखना चाहिए, सूरज की किरणों से हमें सदा समय पर उठने की आदत सीखनी चाहिए, तो ये अच्छी आदत हमें सूरज से सीखनी है। दूसरा प्रश्न है चींटियां हमें क्या सिखाती है, तो क्या सिखाती है हमें चींटी, करेक्ट, चींटी हमें मेहनत से आगे बढ़ना सिखाती है, हमेशा मेहनत करो, तो ये सिखाती है हमें चींटी। नेक्स्ट है कूड़ा कहाँ पे डालना चाहिए, ऑब्वियसली कूड़ेदान में, ये तो कोई भी छोटा बच्चा आंसर देगा, तो कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारी भलाई किस में है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये सवाल का जवाब हमें हमारे पोएम में मिला है, सबसे मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है, जब किसी से झगड़ा नहीं करना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, ये किसी में हमारी भलाई है। तो ये हमारे क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होते हैं। यदि मैं बादल होता, ये बहुत ही अच्छा एक निबंध है, हमने smartschool.infolips.com इस साइट पे ये इस निबंध के बारे में बता दिया है। ये देखो, यह वो साइट, अगर यहाँ पे आप जाते हो smartschool.infolips.com पे, और यहाँ पे मराठी निबंध, इस तरह से आप जो भी निबंध ओपन करोगे तो वहाँ पर मराठी एसेज, हिंदी एसेज, इंग्लिश एसेज, तो अगर आपको हिंदी देखने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो पेड़ की आत्मकथा, दूरदर्शन से लाभ और हानि, जीवन में परिश्रम का महत्व, विद्यार्थी का कर्तव्य, नदी की आत्मकथा, समाचार पत्र, किसान की आत्मकथा, ये बहुत सी बार बच्चों ने देखा हुआ ही है, ऐसे है किसान की आत्मकथा, समय का दुरुपयोग, यदि मैं बादल होता, तो बहुत सारे हिंदी के, मराठी के और इंग्लिश के भी हमने एसेस दिए हैं। हम इसमें और भी ऐड करते करते जा रहे हैं, तो आपको अगर इसमें और भी कुछ आपसे रिलेटेड वाले जो भी निबंध चाहिए तो हमें बता देना कमेंट में, हम उसको भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके, बस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसो खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।